हमारे साथ एक जोड़ी है, एक कपल है, पहले हम उनका नाम जानते हैं। आपका नाम? पीयूष पांडे। करिश्मा। पीयूष और करिश्मा, आप बताइए कि इतने सारे एंटरटेनमेंट के सोर्सेज हैं, आपने यहाँ आना क्यों गवारा समझा और क्या खास बात रही है? हिंदी कभी हमारे लिए प्रेरणादायक स्रोत है और उन्हें सुनना आज भी अच्छा लगता है और उनसे एक कुछ जिंदगी में एक प्रेरणा मिलती है हमें। करिश्मा आप बताएं। पहले तो कि कविताएं अच्छी लगती हैं, तो नॉवेल्स और कविताओं में है इंटरेस्ट, तो ऑब्वियसली हम कभी किस इसमें आए हैं, अच्छा लगेगा कि कुछ इस फिल्म दौर से थोड़ा निकल के कवि सुना जाए। तो मैं अब हमारे बीच में आपके VIP चैनल के और आपके विश्वामित्रा परिवार के इस सांस्कृतिक प्रोग्राम के जो कॉर्पोरेट हेड हैं मिस्टर RK पांडे जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अपना काव्य पाठ मंच पर आकर प्रस्तुत करें। इसके पहले वो आए, मैं उनके बारे में चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि मेरे गीत तुम्हारे पास, मेरे गीत तुम्हारे पास सहारा बनकर आएंगे, मेरे गीत तुम्हारे तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे, मेरे बाद तुम्हें ये मेरी याद दिलाने आएंगे। अरे मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, मेले में भटके होते तो कोई घर पहुंचा जाता, हम घर में भटके हैं कैसे ठौर ठिकाने आएंगे, कैसे ठौर ठिकाने आएंगे। मैं मंच पर पांडे जी को बुला रहा हूं लेकिन उनके सम्मान में एक लाइन पढ़ रहा हूं कि जितने घाव लगे सीने पर वे सब और दूसरों के हैं, जितने घाव लगे सीने पर वे सब और दूसरों के हैं, और जितने घाव लगे पीठ पर वे सब अपनों ही के हैं, वे सब अपनों ही के हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं पांडे जी को। जावेद जानिसार अख्तर फिल्मों के गीतकार हैं और पटकथा लिखते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी एक प्रसिद्ध हस्ती हैं। शायरी तो सदियों से इनकी रगों में दौड़ रही है, इनकी कई मधुर रचनाएं हैं। इन्होंने 1981 ईस्वी में फिल्म सिलसिले को अपना गीत दिया, इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अब जहाँ हूँ वहीं सिमट कर खड़ा रहूँ मैं, मगर करूँ क्या कि जानता हूँ जो रुक गया तो जो भीड़ पीछे से आ रही है वो मुझको पैरों तले कुचल देगी, पीस देगी। तो अब जो चलता हूँ मैं तो खुद मेरे अपने पैरों में आ रहा है, किसी का सीना, किसी का बाजू, किसी का चेहरा, चलूं तो औरों पे जुल्म ढाऊं, रुकूं तो औरों के जुल्म झेलूं। मोहब्बत, ये जज्बा जो हर किसी के दिल में पनपता है, इस जज्बे को जो अपने दिल से बाहर निकाले वो बन जाता है कविता। तो बस एक ऐसी ही महान कवित्री है जिनका नाम है महादेवी वर्मा, जिन्हें मॉडर्न मीरा भी कहा जाता है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, यामा इनकी बेहतरीन उम्दा किताबों में से एक है जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। इन्होंने अध्ययन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वह प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधान आचार्य बनी रही। इनकी कविताओं में दीपशिखा, हिमालया, नीरजा, निहार और रश्मि गीत हैं। देखिए, मनुष्य के पास दो ही मुख्य प्रवृत्तियां हैं, बुद्धि और हृदय। वो किसी शून्य से शून्य में अवतरित नहीं होता है, एक विशेष परिवेश में उत्पन्न होता है। वो परिवेश विविध है, भौगोलिक भी है, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है, सांस्कृतिक भी है। उस परिवेश के विविध रूप हैं। इन विविध रूपों से उसका कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष समझौता, संघर्ष, संपर्क होता ही है। समय कम है, तेजी से सुनाऊंगा और सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अर्जी लगा रहा हूं इन माननीय कविवर समूह के सामने अपनी कविताओं के माध्यम से कि इनका स्नेहाशीष मुझे और मेरी कविता को मिले। एक रोमांटिक कविता के साथ शुरू करता हूं। आओ बीते लम्हों को याद करते हैं, बीती हुई सब बातों को याद करते हैं, जो सपना कभी ना हो सका अपना।
जो सपना कभी न हो सका अपना, उसकी दास्तां को हम याद करते हैं। आओ बीते लम्हे को याद करते हैं। याद है मुझको तुमने जो कहा था मुझसे, उन लजाते अल्फाजों को याद करते हैं। तुम्हारी आंखों को देखकर जो कहा था मैंने, उस बेहयाई को आज हम याद करते हैं। तुम्हारी होठों पे रखकर मैंने अपने होठ, बड़ा मुस्कुरान थिरक गई है कुछ होठों पे इस पंक्ति को सुनने के बाद, धन्यवाद। तुम्हारी होठों पे रखकर मैंने अपने होठ, जिस कदर झांका था तुम्हारी आंखों में, ऐसे कुम्हलाई थी तुम लाजवंती की तरह। आओ उन वाकियातों को याद करते हैं। तुम्हारे गोरे गोरे बाहों के घेरे में सिमट कर, तुम्हारे गोरे गोरे बाहों के घेरे में सिमट कर महसूस किया जो मैंने वो अद्भुत जल तरंग, नटखट अंदाज में गुदगुदाया था तुम्हें, नटखट अंदाज में गुदगुदाया था तुम्हें। आओ उस गुदगुदाहट को याद करते हैं, बीते हुए लम्हों को याद करते हैं। आखिरी दो पैरा हैं। न जाने कब थक कर सो गया मैं तेरे आगोश में, जाने कब थक कर सो गया मैं तेरे आगोश में, कितना शकून पाया था मैंने तेरी गोद में, झटके से उठाया तुमने, झटके से उठाया तुमने, खुल गई मेरी नींद। आओ उस नींद के अधूरे सपने को याद करते हैं, आओ बीते हुए लम्हों को याद करते हैं। तुम्हारी याद ही बनकर रह गई धरोहर मेरी, बे देखता ही रहा मांग सजाई किसी और ने तेरी। तुम्हारी याद ही बनकर रह गई धरोहर मेरी, मैं देखता ही रहा मांग सजाई किसी और ने तेरी। बस थके कदमों पर आवारा बना घूम रहा हूं मैं, ये दो नैन अब बस तेरा इंतजार करते हैं। आओ बीते लम्हों को याद करते हैं।